हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स का एक बेसिक्स का टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, सो प्लीज़ नोट डाउन, इसको मार्क कर लीजिए। क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में और ट्रेडिशनल कॉमर्स में, तो इसके लिए हमें दोनों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई ई कॉमर्स क्या होता है या फिर ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स कवर टुडेस टॉपिक। आई होप ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आएगा। आप इसको प्रॉपरली अटेंड करिए और अच्छे से इसको समझिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक तरीके से पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ साथ के साथ में, ताकि जो भी हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स व्हाट इज द मेन, ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स को ओवर द इंटरनेट पे खरीद या बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज ई कॉमर्स, वो ई कॉमर्स है। ठीक है, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट मीन्स टू से विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस सिस्टम्स एंड द इंटरनेट नेटवर्क यू आर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, that is known as e-commerce। ठीक है, so that's why I am saying commerce is the act of doing business electronically। electronically means over the internet। अगर internet पे आप business को run कर रहे हो, that is e-commerce। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स बायर एंड सेलर क्रिएट परचेज ऑर्डर ऑन देयर सिस्टम अगर मैं ट्रेडिशनल कॉमर्स की कहूं तो ट्रेडिशनल कॉमर्स इज द फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इन अ मार्केट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एक कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जहां बायर और सेलर दोनों आ रहे हैं, ठीक है, दोनों मिल रहे हैं। बायर क्या कर रहा है, बायर को जो भी प्रोडक्ट खरीदना है वो उसको देख रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है और उसको फिर खरीद रहा है। ठीक है, यानी कि बायर और सेलर दोनों एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके मिल रहे हैं और मिलने के बाद फिर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो इसको ट्रेडिशनल कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंस डेटा एरर्स, फर्स्ट डिफरेंस है वो डेटा एरर्स पे है। कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग अकरिंग ऑन पर्टिकुलर प्लेस कुछ भी हो सकता है, कोई रिटेल शॉप हो सकती है, एंड ट्रेडिंग। ठीक है, With e-commerce, data goes directly from one to another computer without involving human being, as it does not involve data all multiple points. ठीक है, अगर मैं electronic commerce की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ traditional commerce की, the buyer and seller create purchase order on their systems, print it or fare it or mail it to the receivers or sellers or trading partner. The receiver or seller then re-enter the same information on the computer. This will create the errors. Cost. तो ये first difference था, पहला difference
सेकंड डिफरेंस क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ ई कॉमर्स इज वेरी हाई। अगर मैं स्टार्टिंग करता हूँ बिजनेस में और इसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड करता हूँ तो कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होती है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ ई कॉमर्स इज वेरी हाई एज कंपेयर टू पेपर प्रोसेस बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज वेरी इफेक्टिव बट इफेक्टिव ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये एक टाइम के बाद ये मोर एंड मोर इफेक्टिव रहती है, ठीक है। एज ट्रेडिशनल कॉमर्स एज टाइम इज मनी, टाइम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सेविंग द मनी। इन इट्स देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ सम वर्क एट एवरी लेवल सो इट इंक्लूड अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम डूइंग सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। जैसे कि एक सेल पर्सन होता है, एक सेल्स पर्सन जितने भी कस्टमर्स आते हैं सबको बार बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन वही चीज आप एक बार में ओवर द इंटरनेट मास कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सारे कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इट इंक्लूड अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। इफ द एरर इज अराइजन दैट विल लीड टू मोर वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ मनी ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन कस्टमर डिसाइड एंड इनिशिएट द रिक्वेस्ट टू बाय इन वन टू मैनी रिलेशनशिप। कस्टमर डिसाइड एंड इनिशिएट द रिक्वेस्ट टू बाय इन वन टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रपोजिशंस इज बायस्ड toward a predetermined relationship otherwise the transaction cannot happen, transaction cannot happen, ठीक है। तो जो थर्ड डिफरेंस है दोनों के बीच वो ये है, प्रीपोजिशन ऑफ इज बायस टुवर्ड द प्रीडिटरमाइंड रिलेशनशिप। पेपर वर्क नेक्स्ट डिफरेंस है, ई कॉमर्स डेटा इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मेक इट इजी टू शेयर डेटा इजली शेयर एंड मेक इट properly across the organizations, आप उसको easily share कर सकते हो, ठीक है। And it require re-entry, अगर यहाँ पर आप कोई data share कर रहे हो it require re-entry, बार बार entry की requirement होती है। Each level and require lot of time, require lot of time also, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, पेपर वर्क्स होते हैं, रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, तो बार बार आप डेटा को एंट्री करते हो, डेटा को मैनेज करते हो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज द थर्ड वन, दिस वन नेक्स्ट डिफरेंस है, ई कॉमर्स
रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, सो नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स दैट इज ई कॉमर्स रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम. वन एंट्री यू हैव मेड ऑन द इंटरनेट देन ईजिली यू कैन प्रोसेस एंड फाइंड एवरी इन द एवरी ट्रांजेक्शन. ओके, एक बार अगर आपने कोई एंट्री कर दी है तो ईजिली आप उसको प्रोसेस कर सकते हो और ओवर द इंटरनेट, और इससे टाइम भी बचता है और हमारी कॉस्ट भी मेंटेन सेव होती है, ठीक है. लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल फॉर्म की बात करता हूँ तो उसमें हर बार हमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए एवरी फंक्शन इज रिक्वायर्ड, हर बार हमें फंक्शंस रिक्वायर्ड करने रिक्वायर्ड होते हैं, उन फंक्शंस को हमें फॉलो करना होता है, ठीक है. तो ये कुछ डिफरेंस थे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स के बीच. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग अकरिंग पर्टिकुलर प्लेस एंड ट्रेडिंग, ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ई कॉमर्स पे अगर एक बार में आप, वैसे तो अगर मैं बात करूँ इनिशियल, अगर ई कॉमर्स की भी इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है. लेकिन अगर एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस को प्रोसीड कर दिया और उसने वहाँ पे आपने सर्वाइव कर लिया एक बार को, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस टू इंक्रीज द बेनिफिट. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट को गेन कर सकते हो. तो ये एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. लॉन्ग टाइम तक आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. एक छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट टॉपिक था और इजी टॉपिक था जो हमने यहाँ पे कवर किया है. तो आप इस टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.